हेलो दोस्तों, टोटल नया ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक वीवो का फ़ोन आया जिसका दोस्तों यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं काम कर रही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसका एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे वाइब्रेशन जो प्रॉब्लम होती है ये सॉफ्टवेयर से होती है। मुझे भी लगा कि ये सॉफ्टवेयर से, मैंने फाइल भी डाउनलोड करना चाहा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बार हार्डवेयर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हार्डवेयर से एक वाइब्रेशन यहाँ पे निकाला इस फ़ोन का है। तो ये देखिए, ये बीप कर रही है, मतलब कि ये वाइब्रेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पे शो कर रही है कि सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपको वाइब्रेशन जो होता है वो चेंज कर देना है। जी हाँ, आपको किसी दूसरे फ़ोन से निकाल कर, मैंने किसी और फ़ोन से, रेडमी के फ़ोन से निकाल कर यहाँ पर वाइब्रेशन लगा दिया है। और दोस्तों ये भी बीप कर रही है, लेकिन ये आपका वाइब्रेशन काम करने लग जाएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि ये वाइब्रेशन ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर करते हैं कि सॉफ्टवेयर से सोल्व हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हार्डवेयर चेक कर लेना है एक बार, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये हार्डवेयर से होती है। आपको वाइब्रेशन सही दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे चेंज कर देना है वाइब्रेशन, जिससे दोस्तों आपको ये वाइब्रेशन बिल्कुल सही से काम करने लग जाएगी। तो यहाँ पर मेरे वीवो का ये S1 प्रो मॉडल है, तो इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बाकी दोस्तों, अगर किसी भी फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम होता है, रियलमी चाहे ओप्पो वीवो कोई भी फ़ोन में, तो आप यहाँ पर वाइब्रेशन को चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा। ऐसे ऐसे नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत।